कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके नेता अपने ही दल के किसी को जाएंगे प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार जी कवायद कर रहे हैं, यह भी शामिल हो सकता है भाई, कांग्रेस के बिना तो विपक्षी एकता नहीं हो सकती। और विपक्षी एकता में अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का चयन होने रहेगा तो मतभेद होगा, विरोधाभासों का प्रबंधन है। नीतीश कुमार जी ऐसे विरोधाभासों का प्रबंधन कैसे कर पाते हैं, करा पाते हैं? तो ये जो कवायद है ना, कहा जाता है मेढक तोड़ने वाली कवायद है, नीतीश जी मेरी तरफ से तो शुभकामना है, एक बड़ा काम उन्होंने उठाया है, ईश्वर उनकी मदद करें। मगर ये काम इतना आसान समझा जा रहा है, इतना आसान नहीं है, और ये कोई नया काम भी नहीं है। 1964 में बड़े दिग्गज नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनसंघ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष एक हो ये आरंभ किया था, और इसका नतीजा हुआ था कि केंद्र में सरकार तो उस समय नहीं गई, मगर उत्तर भारत में 1966 में चुनाव हुए, आपको पंजाब से लेकर बंगाल तक कांग्रेस की सरकारें बदल गई। और बाद में जब प्रकाश जी ने ये मामला उठाया, चार दलों को एक किया, और उन्होंने एक किया तो केंद्र में सरकार बदल गई। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अगर बहुत सारे कारक एक साथ आएंगे तो एकता होगी, तो छोटे मन से एकता नहीं होगी। नीतीश कुमार जी जिस तरह का बड़ा मन दिखा रहे हैं, वैसे और लोग भी दिखाएं तो शायद हो जाए। तो ये 3-5 का जो फैला है ये बहुत सामान्य नहीं है, और मुझे लगता है कि देश की जनता एक बार और मौका देना चाहती है।